नमस्कार शेफ ऑफ किचन पर मैं आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए आए बहुत ही बेहतरीन रेसिपी। आज हम बनाएंगे श्रीखंड। श्रीखंड को आपने खाया होगा, हमकर दही लिया, थोड़ी चीनी मिलाई, इलायची पाउडर मिलाया, श्रीखंड तैयार। लेकिन आज हम आपको देंगे श्रीखंड को एक नया रूप। आज हम उसमें मिलाएंगे रूह अफ़ज़ा। आज हम बनाएंगे रूह अफ़ज़ा श्रीखंड। चलिए ज्यादा समय बर्बाद करते हैं, देख लियो। श्रीखंड बनाने के लिए हमने सबसे पहले हम लेंगे हंकड़ दही। ये मेरे पास आधी किलो दही था, मैंने इसको कपड़े में बांध के पानी निकाल दिया। 4 से 5 घंटे के लिए मैंने इसको मार्किंग में बांधा था और अब मैं इसको बॉल में निकाल लूँगा और अच्छे से विस्क कर लूँगा। हम अच्छे से बिल्कुल दही को फेंट लेंगे, बिल्कुल स्मूथ बना लेंगे। देखिए आप, बिल्कुल मक्खन की तरह हो गया हमारा दही। देखिए हमको श्रीखंड के लिए ऐसा ही दही चाहिए। आप हमेशा दही को मार्किंग में बांध के पानी निकाल लीजिए अच्छे से और उसके बाद ही श्रीखंड बनाए आप। और अब मैं इसमें ये रूह अफ़ज़ा डाल रहा हूँ, ये 2 टीस्पून मैं रूह अफ़ज़ा डाल रहा हूँ। हम रूह अफ़ज़ा और दही को अच्छे से मिला लेंगे और देखिए आप कितना बेहतरीन कलर आया, मुझे तो कलर देख के मज़ा आ गया। 1 छोटा चम्मच मैं इसमें इलायची पाउडर ऐड कर रहा हूँ, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे श्रीखंड में। और इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे। इतनी प्यारी स्मेल आ रही है ना इसमें से, मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। आप एक बार ज़रूर बनाएंगे ना, आपको मज़ा आ जाएगा बनाने में ही, खाने से पहले। बहुत ही सिंपल रेसिपी और एक आपका प्यारा सा डेजर्ट बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसको सर्व करेंगे। हमने एक प्लेट ले ली है और हम इसको सर्व करेंगे। हमने श्रीखंड को प्लेट में सजा लिया अच्छे से। मैं इसमें थोड़े से बादाम डाल रहा हूँ। रूह अफ़ज़ा श्रीखंड है तो रूह अफ़ज़ा तो थोड़ा बनता है ना। श्रीखंड तो आपने खाया होगा, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस बार रूह अफ़ज़ा श्रीखंड बनाइए और सबको खिलाइए। बहुत ही बेहतरीन डिश है, मजा आ गया मुझे बना के और आपको दिखा के। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।